Hello students, welcome to Allure Date. Today the session we are going to start is of macroeconomics, and we are going to cover many topics in macroeconomics which will be very important for your exams. So make sure you watch this video till the end, and if you have not subscribed our channel, please subscribe our channel for future related updates. So let's begin our session. We will see most important questions of macroeconomics. First, national income is a stock concept, b flow concept, c cross-sectional analysis, or d none of the above. So basically national income कौन सा concept होता है, तो national income को flow concept माना जाता है, because national income is calculated on an annual basis. It represents the total amount of goods and services produced in a country during a specific time period, usually a year. National income एक flow concept है, क्योंकि ये जो भी one year का जो total amount होता है goods and services that are produced within the physical boundaries of a country, उसको consider करता है. So national income को flow concept ही consider किया जाएगा. So option B will be correct. Which of the following is included in domestic income? Option A, factor income earned from abroad. Option B, windfall gains. Option C, pension of retirement. Or D, capital gains. So यहाँ पे जो option दिए इसमें से कौन से domestic income में consider किया जाएगा? So basically यहाँ पे options में से clear होता है कि domestic income that is income, all income earned within the borders of a country. सो जो इनकम जो एक कंट्री के बॉर्डर के अंदर होती है उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं. तो ये आएगा पेंशन ऑफ रिटायरमेंट. सो बेसिकली ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा. ठीक है, विच इज ट्रू अबाउट कीनेसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म एनालिसिस. ऑप्शन बी स्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन. ऑप्शन सी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. और ऑप्शन डी स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इन शॉर्ट रन. सो कीनेसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के सेंस में कौन सा ऑप्शन ट्रू है? सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इन शॉर्ट रन. जो कीनेसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो किससे रिलेटेड है? स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इन द शॉर्ट रन. कीन्स ने आर्ग्यू किया था कि शॉर्ट रन में स्पेशली जब भी रिसेशन होता है तो इकोनॉमिक जो आउटपुट होता है वो स्ट्रांगली डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में टोटल स्पेंडिंग कितना है. सो वहाँ पे जो शॉर्ट रन में जो हमारी इकोनॉमिक आउटपुट है हमारी कंट्री का वो स्ट्रांगली डिमांड से इन्फ्लुएंस होता है. बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा. ओके, so let's move to next question. The speculative demand for money becomes dash at a very low rate of interest. Option A perfectly inelastic, B relatively elastic. Option C perfectly elastic, or option D relatively inelastic. So your option C will be correct. यहाँ पर पूछ रहे हैं जो speculative demand है money का वो क्या हो जाता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. सो यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक होता है. रीज़न क्या है कि कीन्स ने ये कहा है, अकॉर्डिंग टू कीन्स उन्होंने क्या कहा था कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी वो जो भी जो मनी का जो स्पेकुलेशन है डिमांड वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है. अच्छा, वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम होता है तो स्पेकुलेटिव हो जाता है, इलास्टिक हो जाता है. बिकॉज ऐसा मानते हैं वो कि इवन जो टाइनी इंक्रीज होता है इंटरेस्ट रेट में उससे क्या होता है कि पीपल स्पेकुलेशन करते हैं कि फ्यूचर में इसका जो भी रेट है वो बढ़ने वाला है. ठीक है, ये सोच के वो क्या करते हैं उस मनी को होल्ड कर लेते हैं लॉन्ग पर्पस के लिए, कि वो इस तरह से क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड्स में कि उनको फ्यूचर में उस पर क्या मिलने वाला है, हाइयर रिटर्न मिलने वाला है. तो इसको हम कह सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक, यानी इवन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तब भी जो स्पेकुलेटिव डिमांड है मनी की वो परफेक्टली इलास्टिक ही है. नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद फोर मेजर फंक्शंस. ऑप्शन ए हाउस होल्ड फर्म्स, गवर्नमेंट, डिमांड एंड सप्लाई.
ऑप्शन बी हाउसहोल्ड फर्म्स, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, ऑप्शन सी प्रॉफिट, प्राइस लेवल, कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर, और ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली कौन से चार फैक्टर्स का स्टडी है, सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बिकॉज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमी एज अ होल डील करता है, जिसके अंदर हाउस होल्ड मतलब कि कस्टमर्स, फर्म्स यानी कि प्रोड्यूसर्स, देन गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल में वो दोनों आ जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। दोज गुड्स विच आर मेड फॉर फाइनल यूज और कंजप्शन आर नोन एज ऑप्शन ए कंज्यूमर गुड्स, ऑप्शन बी वैल्यू एडेड गुड्स, और ऑप्शन सी इंटरमीडिएट गुड्स, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। सो बेसिकली जो गुड्स हम फाइनल कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं। सो आपको बता होना चाहिए कि जो फाइनल यूज़ की जो गुड्स होती है कंजप्शन के लिए उसको कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। और ये क्या होते हैं कि इसमें कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली जो है यूज़र के अकॉर्डिंगली बनाए गए होते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली उसे कंज्यूम कर सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी कीन्स थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी नेशनल इनकम, और ऑप्शन डी क्लासिकल एंड कीन्स थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड किस पे बेस्ड है, तो ये बेसिकली कीन्स थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड जैसे कि हमने अभी देखा आगे भी, तो वो एक की कंपोनेंट है कीन्स थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। तो बिकॉज ऑफ दैट जो ये प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंगली, ऐसे कहते हैं ना कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो लेवल ऑफ डिमांड पे डिपेंड करता है, और ये कीन्स थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये। नाउ इफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.8, देन हाउ मच विल बी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0.8 रहेगा, देन एपीसी कितना रहेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑप्शन में इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आई थिंक क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है इसको आप 0.6 कंसिडर करना, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव अगर 0.8 है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होगा। ऑप्शन ए 0.4, ऑप्शन बी 0.6, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 0। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब ये फार्मूला इसका अगर याद होगा तो आप सेव कर इसका कैलकुलेशन कर लोगे, एपीएस प्लस एपीसी हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। एक की वैल्यू आपको दी होगी तो आप 1 में से माइनस करोगे, डायरेक्टली आपको सेकेंड वैल्यू मिल जाएगी, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे APS 0.6 है एंड APS प्लस APC 1 होता है, तो 1 माइनस 0.6 करेंगे तो आपको 0.4 मिल जाएगा। ये 0.4 हुआ APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट मींस ऑप्शन ए GDP माइनस डेप्रिसिएशन, ऑप्शन बी GDP प्लस डेप्रिसिएशन, ऑप्शन सी GNP माइनस डेप्रिसिएशन, और डी GNP प्लस डेप्रिसिएशन। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये जितना भी नेट मार्केट वैल्यू है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि एक इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम जो प्रोड्यूस होता है उसको शो करता है, जिसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया जाता है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नाउ इन अ थ्री सेक्टर इकोनॉमी वाई इक्वल्स ऑप्शन ए C+I, ऑप्शन बी C+I+G, ऑप्शन सी C+I+G प्लस इन ब्रैकेट X-M एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि थ्री सेक्टर इकोनॉमी में Y मतलब क्या, किसके इक्वल होगा। सो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में Y यानी कि नेशनल इनकम किससे इक्वल होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, ठीक है। यानी कि C+I+G+X-M,
ठीक है, यानी कि कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, और प्लस एक्स माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। नाउ द लॉ विच कॉन्ट्राडिक्ट सीज लॉ ऑफ मार्केट इज, ऑप्शन ए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन बी लॉ ऑफ डिमांड, ऑप्शन डी सी लॉ ऑफ सप्लाई, और ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। सो जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है उसका कॉन्ट्राडिक्ट कौन सी थ्योरी है, तो सेल्स लॉज जो है उसके अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जो सेल्स की जो लॉ ऑफ मार्केट जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली ये माना जाता है कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। बट कीन्स जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन थ्योरी है वो इसकी कॉन्ट्राडिक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो कीन्स है वो ऐसा कह रहे हैं कि जब इनकम बढ़ती है तब कंजप्शन इंक्रीज होता है, बट दोनों सेम रेट पे नहीं होते। ठीक है, तो ये उसकी कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरी है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नाउ द डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर, ऑप्शन ए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन बी MEC, ऑप्शन डी MEC मतलब कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। सो इन्वेस्टमेंट के डिटरमिनेंट्स क्या हैं? सो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट के डिटरमिनेंट्स होते हैं। लोअर इंटरेस्ट रेट एंड हाइयर, जो अगर लो इंटरेस्ट रेट है एंड हाइयर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, दोनों ही इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करेंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नाउ कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ऑप्शन ए गुड्स रिजोल्व इन मार्केट, ऑप्शन बी क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट, और ऑप्शन डी एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। सो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी करेक्ट, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम? कैपिटल एक्यूमुलेशन यानी कैपिटल को कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो स्टॉक है रियल कैपिटल ऑफ एन इकोनॉमी उसमें इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, जहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि प्रोडक्टिव असेट्स क्रिएट हो रहे हैं जिससे इनकम जनरेट होने वाली कैपिटल फॉर्म हो रही है। तो यानी कि जो कैपिटल स्टॉक है, जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है उसमें एडिशन हो रहा है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नाउ इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फेनोमेनन, दीज आर द फेमस वर्ड्स ऑफ, ऑप्शन ए मिल्टन फ्राइडमैन, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी डेविड रिचार्डो, एंड ऑप्शन डी जेम्स कीन्स। सो यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन हर जगह पे है, एवरीवेयर है एक मॉनेटरी फेनोमेनन में, तो किसके फेमस वर्ड्स हैं? तो ये है मिल्टन फ्राइडमैन के फेमस वर्ड्स हैं। ठीक है, मिल्टन फ्राइडमैन ने ये वर्ड कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। Now, Keynes' theory of employment deals with A. voluntary unemployment, option B. involuntary unemployment, option C. disguised unemployment, and option D. structural unemployment. So, Keynes' theory of employment किससे deal करती है? तो यहाँ पे option B correct होगा, involuntary unemployment, because जो Keynes हैं उनकी theory जो primarily deal होती है involuntary unemployment से। Keynes ने argue किया था कि जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिमांड की जो कमी होती है, ठीक है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड जो इकोनॉमी में होती है, उससे क्या होता है कि अगर डिमांड ही नहीं होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उससे क्या होगा? डिमांड वर्कर्स की भी नहीं रहेगी। ठीक है, यानी कि लैक ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी लीड्स टू लैक ऑफ डिमांड फॉर वर्कर्स, जिसकी वजह से इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सो ये वाला कॉन्सेप्ट करेक्ट रहेगा, तो कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डील्स विद इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।
if MPC equals to 1, then K will be. अगर MPC 1 है तो K कितना होगा? तो अगर MPC 1 है तो K रहेगा infinity. जो कि theory of multiplier है, वो है reciprocal of marginal propensity to save. ठीक है, यानी 1/(1-MPC). ठीक है, अगर marginal propensity to consume यानी कि MPC 1 है तो MPS 0 होगा, यानी कि multiplier क्या हो जाएगा? Infinity ही रहेगा. ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नाउ ऑन व्हाट बेसिस डिड मार्शल एंड फिगो डिफाइन नेशनल इनकम? ऑप्शन ए प्रोडक्शन, ऑप्शन बी कंजप्शन, ऑप्शन सी एक्सपेंडिचर और ऑप्शन डी नन ऑफ अबव. सो किस बेसिस पे मार्शल एंड फिगो ने नेशनल इनकम को डिफाइन किया है? सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रोडक्शन. अल्फ्रेड मार्शल एंड जो फिगो हैं, ये दो की फिगर्स हैं जो कि कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने नेशनल इनकम को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन डिफाइन किया था. उनका जो फोकस रहा है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे रहा, कि जो नेशनल इनकम का सोर्स होता है वो किसको मानते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो उनकी नेशनल इनकम की डेफिनेशन है उसमें उन्होंने प्रोडक्शन का जिक्र किया हुआ है. नाउ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द मेजर एलिमेंट इन ऑप्शन ए 2-sector मॉडल, ऑप्शन बी 3-sector मॉडल, ऑप्शन सी 4-sector मॉडल और डी नन ऑफ अबव. सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन से मॉडल का एक अच्छा एक एलिमेंट है? तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो जो है ये 4-sector मॉडल को बिलोंग करता है, क्योंकि जो 4-sector मॉडल इकोनॉमी का है उसके अंदर हम हाउस होल्ड्स, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं और ये इसी के अंदर ही आ जाता है. Now, supply creates its own demand. This statement is related with option A classical theory, option B Keynesian theory, option C fragment theory और option D national income. So, supply creates its own demand. ये statement किससे related है? तो बच्चों अभी मैंने पहले थोड़ा देर पहले भी discuss किया था कि ये जो ये है ये statement Say's law का है. ठीक है, और सेज लॉ जो है उसको क्लासिकल थियोरी माना जाता है. ठीक है, बिकॉज ये सजेस्ट करता है कि किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है. ठीक है, सो यहाँ पे ये क्लासिकल थियोरी में आएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ISLM मॉडल शोज इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑप्शन ए मनी एंड कैपिटल मार्केट, ऑप्शन बी रियल एंड मनी मार्केट, ऑप्शन सी इंटरनेशनल एंड लोकल मार्केट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव. सो ISLM जो कर्व है, ठीक है, जो कि डेवलप की थी जॉन हिक्स ने, जो इक्विलिब्रियम दिखाता है गुड्स मार्केट का और मनी मार्केट का, यानी कि इन्वेस्टमेंट से भी कर्व एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई. तो ISLM मॉडल जो है वो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि रियल एंड मनी मार्केट इन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम दिखाता है. ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी नेशनल इकोनॉमिक्स और डी नेशनल बजट. तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन जो है बी करेक्ट रहेगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि द इकोनॉमी एज अ होल, यहाँ पे नेशनल इनकम पूरी इकोनॉमी की इनकम दिखाता है ना एज अ होल, कि इकोनॉमी जो हमारी है सपोज इंडिया, इंडियन इकोनॉमी है, इसकी वन ईयर विद इन वन अकाउंटिंग ईयर उसका कितना जो है उसका इनकम रहा है, तो वो तो ये मैक्रो बात हो रही, टाइनी. अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स होता यानी कि एक पर्टिकुलर मार्केट की बात होती तो माइक्रो आता है, यहाँ पे पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है. तो ये जो नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है मैक्रो इकोनॉमिक्स से. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. द शॉर्ट रन फिलिप कर्व इज ऑप्शन ए यू शेप्ड, ऑप्शन बी एल शेप्ड, ऑप्शन सी अपवर्ड स्लोपिंग और ऑप्शन डी स्ट्रेट लाइन. सो जो फिलिप कर्व है उसका कौन सा शेप होता है? तो जो फिलिप कर्व है वो शॉर्ट रन की टिपिकली उसका जो स्लोप रहता है वो अपवर्ड रहता है.
ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये अपवर्ड में होता है। ये जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन है, उसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। जहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाया जाएगा वहाँ पे अपवर्ड ही स्लोप रहेगा, ठीक है जो है। लेकिन ये शॉर्ट रन में ही होता है, जो फ्लिप कर रहे शॉर्ट रन का ही, यानी कुछ टाइम का ही दिखाता है टिपिकली। ये लॉन्ग रन में ऐसा स्लोप नहीं कंसिडर कर सकते। सो यहाँ पे शॉर्ट रन में ये अपवर्ड स्लोप रहता। इन विच ईयर वॉज द बुक जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1939 एंड ऑप्शन डी 1940। सो जो बुक है जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये कौन से साल में पब्लिश की गई थी? तो इट वॉज पब्लिश इन 1936 एंड इसको पब्लिश की थी कीन्स ने, ठीक है। और इसको बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वर्क माना गया है इन द फील्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो अगर आपको ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछते हैं तो किसने जो है ये वर्क दिया है, तो कीन्स ने दिया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू ऑप्शन ए चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, एंड देन ऑप्शन बी इनकम अपॉन कंजप्शन, ऑप्शन सी चेंज इन कंजप्शन एंड ऑप्शन डी चेंज इन इनकम एंड अपॉन चेंज इन कंजप्शन। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जो है कैसे, इसको किसके इक्वल माना गया है? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जो हमने इसको डिफाइन किया था एज द चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। सो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट, चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, यानी ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ एन एडिशनल इनकम दैट अ पर्सन विल स्पेंड ऑन कंजप्शन। सो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन ए डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन बी डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन सी डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स एंड ऑप्शन डी डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम प्लस डायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स करेक्ट होगा, बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम यानी कि जो मनी हाउस होल्ड्स की अवेलेबल रहती है, यानी कि उसमें से जो उनका एक्चुअल जिनका लोगों का जो इनकम होता है उसमें से जब डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, यानी जो भी उनकी पर्सनल इनकम है उसमें से डायरेक्ट टैक्स माइनस करके जो उनकी वो खुद की स्पेंडिंग के लिए उनकी जो मनी बचती है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम। इसमें सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे सैलरी वेजेस और सारी टाइप्स की इनकम, उसमें से डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं और जो भी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो भी होते हैं तो वो डिस्पोजेबल इनकम बचता है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेटेड एज इंजेक्शन? ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी इम्पोर्ट, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट एंड ऑप्शन डी कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ को एज ए इंजेक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है? सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इन्वेस्टमेंट इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है इंजेक्शंस की तरह इसको माना जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। हु सेड इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड? ऑप्शन ए जेम कीन्स, ऑप्शन बी ए सी पिगो, ऑप्शन सी एडम स्मिथ एंड ऑप्शन डी जेम्स मिल। किसने कहा है कि लॉन्ग रन में हम सभी डेड के समान हैं? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कोट है, वो कीन्स ने दिया था, ठीक है। उनका जो जो है ये जो है ये कीन्स के द्वारा दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। द शिफ्ट इन द आईएस कर्व टू द राइट इज ड्यू टू ऑप्शन ए इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी इंक्रीज इन सेविंग, ऑप्शन सी डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्शन डी डिक्रीज इन सेविंग। सो जो आईएस कर्व है वो राइट में शिफ्ट होती है, तो उसका मेन रीजन क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से जो शिफ्ट है वो राइट में शिफ्ट हो जाती है, जो कर्व है वो राइट में शिफ्ट होती है। आईएस कर्व जो है वो जो इंटरेस्ट रेट एंड रियल आउटपुट्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट में, उसका रिलेशनशिप शो करता है
और अगर वो शिफ्ट होती है जो कर्व राइट में, तो इसका मतलब कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हर इंटरेस्ट रेट लेवल पे इंक्रीज हुई है। नाउ ट्रांसफर पेमेंट्स आर ऑप्शन ए पेमेंट विदाउट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन बी पेमेंट टू लेबर, ऑप्शन सी पेमेंट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर एंड ऑप्शन डी पेमेंट ऑफ शेयर्स। सो ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब क्या होता है? सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पेमेंट विदाउट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब क्या होता है कि जो मार्केट सिस्टम है वहाँ की जो इनकम है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। टिपिकली जो पेमेंट इंडिविजुअल्स को सोशल बेनिफिट प्रोग्राम्स के थ्रू, जहाँ पे कोई भी गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज नहीं हुए हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी या वेलफेयर या गवर्नमेंट सब्सिडी दी जाती है, जहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम कहेंगे ट्रांसफर पेमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम? ऑप्शन ए प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन एंड इनकम मेथड, ऑप्शन बी प्रोडक्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड, ऑप्शन सी प्रोडक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड एंड ऑप्शन डी सेविंग इन्वेस्टमेंट इनकम मेथड। सो जो क्वेश्चन जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है कि जो नेशनल इनकम के जो मेथड्स हैं कौन सी मेथड्स आएंगी, तो आपको याद रखना चाहिए बच्चों कि नेशनल इनकम की जो मेथड्स हैं वो होती है प्रोडक्ट यानी कि आउटपुट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अंडर द इक्वेशन C equals to A plus BY, if B equals to 0.8, what is the value of multiplier? So, यहाँ पे जो equation दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कह रहे हैं कि A plus BY ये equation है, अगर B की value 0.8 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या रहेगी? सो मल्टीप्लायर क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का, या तो 1/(1 - MPC). ठीक है, के इक्वल्स टू क्या होगा? 1/(1 - MPC). ठीक है, अगर यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू से जो कंज्यूम है उसको डिनोट किया है बाय बी इन द इक्वेशन, यानी कि 0.8 है, अगर 0.8 हुआ MPC, ठीक है, तो MPS कितना होगा? 0.2 होगा, और इसको हम इसमें अगर रखेंगे जैसे कि 1/0.2, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 5 आएगा, दैट विल बी करेक्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यहाँ पे 5 आंसर आएगा। पोटेंशियल GDP इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, ऑप्शन बी अनअटेनेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी एक्चुअल GDP प्लस डेप्रिसिएशन एंड ऑप्शन डी GDP प्लस नेचुरल रिसोर्सेज। सो पोटेंशियल GDP को किस और नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। पोटेंशियल GDP या पोटेंशियल आउटपुट ये मैक्सिमम अमाउंट जो कि कोई भी इकोनॉमी जो है गुड्स एंड सर्विसेज की जो मैक्सिमम अमाउंट होती है, जो एक इकोनॉमी जब वो फुल एम्प्लॉयमेंट में होती है तब प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि जो जितने भी रिसोर्सेज इकोनॉमी के वो सभी मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल में यूज़ किए जा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल GDP। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू ऑप्शन ए नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, ऑप्शन बी पॉपुलेशन डिवाइड बाय नेशनल इनकम, ऑप्शन सी नेशनल इनकम इनटू पॉपुलेशन और ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। सो पर कैपिटा इनकम किसके बराबर होता है? तो पर कैपिटा इनकम एक मेज़र है जो कि पर पर्सन जो नेशन का है उसका कितना वो मनी अर्न कर रहा वो दिखाते हैं। तो इसको हम जो है जब भी फाइंड करते हैं तो टोटल इनकम बाय इट्स पॉपुलेशन आता है, यानी कि नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। सो यहाँ ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। एग्रीगेट डिमांड इन एन ओपन इकोनॉमी इज ऑप्शन ए C+I+G, ऑप्शन बी C+I+G प्लस X-M, ऑप्शन सी C+I+G प्लस इन ब्रैकेट M-X, ऑप्शन डी C+I+G प्लस X-M। सो एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकोनॉमी कैसे फाइंड होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सी यानी कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस इन ब्रैकेट नेट एक्सपोर्ट माइनस
सॉरी नेट एक्सपोर्ट तो मिलेगा हमें माइनस करके, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो हमें नेट एक्सपोर्ट मिलेगा। तो ये होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड इन एन ओपन इकोनॉमी। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में गलत दिया हुआ है? तो के इक्वल्स टू वन अपॉन एम पी एस, ऑप्शन बी के इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस एम पी सी, ऑप्शन सी के इक्वल्स टू वन बाय सी एन, ऑप्शन डी के इक्वल्स टू वन अपॉन एम पी सी। सो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन ये वाला है, और सभी करेक्ट दिए हुए हैं, क्योंकि कभी भी मल्टीप्लायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट रहेगा। नाउ इन द कीन्सियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अकर्स ड्यू टू ऑप्शन ए चेंज इन इनकम, ऑप्शन बी चेंज इन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, ऑप्शन सी चेंज इन प्रॉफिट एंड ऑप्शन डी चेंज इन एम्प्लॉयमेंट। सो कीन्सियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, एक ऑटोनोमस इनकम किस वजह से होता है? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी चेंज इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि उनके मॉडल को अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट होता है, कितना भी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या इनकम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट पोटेंशियली इन्फ्लुएंस कर सकता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, क्योंकि वही तो जॉब क्रिएट करता है। ठीक है, सो बट यू से कि ऑफकोर्स ड्यू टू अ चेंज इन एम्प्लॉयमेंट माइट बी मिसलीडिंग। सो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इफ जी डी पी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू 1000 एंड सब्सिडीज रुपीज 50, देन जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी, अगर मार्केट प्राइस पे जी डी पी 1000 है एंड सब्सिडी 50 है, देन जी डी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, 1000 माइनस 50 करेंगे ना आप जैसे ही, यानी कि जी डी पी एट मार्केट प्राइस माइनस सब्सिडी 50, देन आपको जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। सो आपको 950 आंसर टिक करना है। ओके, द फिलिप कर्व एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्शन ए इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी इन्फ्लेशन एंड इनकम, ऑप्शन डी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। सो फिलिप कर्व जो है वो एक इकोनॉमिक थियोरी है जो एक इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ऑप्शन ए फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी लेसेस फेयर, ऑप्शन सी वेज फ्लेक्सिबिलिटी वुड ब्रिंग फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ऑप्शन डी शॉर्ट रन थियोरी। सो यहाँ पे जो अवेलेबल ऑप्शन है इसमें से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कौन सा अजम्पशन नहीं है? सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस करते हैं लॉन्ग रन, एंड वो जब भी अजम्पशन करते हैं तो एज्यूम करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, और लेसेस फेयर, वेज फ्लेक्सिबिलिटी हर एक चीज़ करते हैं, बट वो कभी भी शॉर्ट रन थियोरी का अजम्पशन नहीं करते। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ रीज़न फॉर द लीकेज ऑफ द मल्टीप्लायर, ऑप्शन ए डिक्रीज इन सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी जनरल डिक्रीज इन इनकम टैक्स, ऑप्शन सी डिक्रीज इन प्राइजेस ऑफ कंजप्शन गुड्स एंड ऑप्शन डी इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। सो यहाँ पे जो रीजंस दिए हुए हैं लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर के, यहाँ पर से कौन सा रीज़न है जो कि लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर के लिए फिट है? तो वो रहेगा इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। जैसे ही मतलब कि अगर इम्पोर्ट्स में इंक्रीज हुआ, जिससे क्या होता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या हुआ, लीकेज हुआ। बट इसमें जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो डोमेस्टिकली स्पेंड हो रहे हैं जो, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे इंक्रीज इन इम्पोर्ट, जितना यानी कि आपने क्या किया, आपकी इकोनॉमी ने इम्पोर्ट किया है, जैसे इम्पोर्ट बढ़ेगा तो वो एक तरह से मल्टीप्लायर का लीकेज ही माना जाएगा। नेशनल इनकम इज ऑल्सो टर्म्ड एज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सो नेशनल इनकम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो नेशनल इनकम को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी कहा जाता है, यानी कि नेट नेशनल
प्रोडक्ट जो एट फैक्टर कॉस्ट, ये मार्केट वैल्यू होती है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर पीरियड प्लस इनकम अर्न बाय इट्स सिटीजन इंक्लूडिंग इनकम ऑफ दोज लोकेटेड अब्रॉड. यानी कि जो लोग जो इंडियन रेसिडेंट हैं बट वो अब्रॉड में रह रहे हैं तो उनकी इनकम को भी इसके अंदर कंसिडर करते हैं. बट जो रेसिडेंट्स जो हमारी कंट्री में इनकम अर्न कर रहे हैं दूसरी कंट्री को बिलोंग करते हैं उसको माइनस किया जाता है. सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा. इन मनी एक्सपेंडिचर फ्लो सेविंग्स आर ऑप्शन ए लीकेज, ऑप्शन बी इंजेक्शन, ऑप्शन सी नॉट एप्लीकेबल एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. सो मनी एक्सपेंडिचर फ्लो सेविंग्स में लीकेज सॉरी इन मनी एक्सपेंडिचर फ्लो सेविंग जो सेविंग्स है उसको क्या कंसिडर किया जाता है तो उसको कंसिडर करते हैं लीकेज. ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सेविंग्स को लीकेज रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये इनकम तो मिल रही है हमें बट ये एक्सपेंस के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे. इसका मतलब कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वहाँ पे हम अपना जो पोटेंशियल एक्सपेंडिचर है वो कम कर रहे हैं और एक तरह से हम मल्टीप्लायर इफेक्ट को रिड्यूस कर रहे हैं. सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा लीकेज. विच एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज कंसिडर्ड नॉर्मल बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. ऑप्शन ए मास एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी सेमी अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑप्शन डी जनरल अनएम्प्लॉयमेंट. सो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा फुल एम्प्लॉयमेंट. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अज्यूम करते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन जो होती है वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है. वो बिलीव करते हैं कि जो मार्केट मैकेनिज़म्स जिसमें फ्लेक्सिबल वेजेस एंड प्राइजेस वो नेचुरली इकोनॉमी को एक फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट कर्व. ऑप्शन ए बिटवीन हाई इंटरेस्ट रेट एंड लो इंक्रीज लेवल, ऑप्शन बी बिटवीन हाई इंटरेस्ट रेट एंड हाई इनकम लेवल, ऑप्शन सी बिटवीन हाई इंटरेस्ट रेट एंड हाई इन्वेस्टमेंट लेवल एंड ऑप्शन डी बिटवीन हाई इंटरेस्ट रेट एंड लो सेविंग लेवल. सो यहाँ पे कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो आईएस कर्व को रिप्रेजेंट करता है. तो आईएस कर्व यानी कि इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व जिसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ इनकम में. ठीक है, आईएस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इंटरेस्ट रेट हाई होता है बट इन्वेस्टमेंट क्या होता है लो होता है और जिससे कि इनकम क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है. सो कन्वर्सली जब भी इंटरेस्ट रेट लो होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है हाई होती है जिससे कि हाईर इनकम होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा. वन मिनट हाँ यही रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा. कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्शन डज नॉट कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर नहीं आती. कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी कंट्रोल ओवर बिजनेस साइकिल, ऑप्शन सी इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी एम्प्लॉयमेंट. सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री ये माइक्रो इकोनॉमिक इशू है तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स केस में नहीं आता क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस साइकिल ये सारी चीज़ें इंक्लूड होते हैं. फॉर्म एंड इंडस्ट्री जो है ये कॉन्सेप्ट ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं. कॉटन यार्न परचेस्ड बाय अ हैंडलूम वर्कर इज ऑप्शन ए एन इंटरमीडिएट गुड, ऑप्शन बी अ कंज्यूमर गुड, ऑप्शन सी अ कैपिटल गुड एंड ऑप्शन डी फाइनल गुड. सो कॉटन यार्न जो हैंडलूम वर्कर जो परचेस करता है ठीक है उसको यूज़ करते हैं फाइनल गुड्स लाइक फैब्रिक्स और टेक्सटाइल में. सो इसको एक तरह से इंटरमीडिएट गुड्स मानेंगे क्योंकि इसके ऊपर वो और भी प्रोसीजर करने वाला है. ठीक है, तो उसके लिए कौन से गुड भी इंटरमीडिएट, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. हु बिलीव दैट अ कट इन द नॉर्मल वेज वुड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन द टाइम ऑफ डिप्रेशन. ऑप्शन बी को, ऑप्शन बी केन्स, ऑप्शन सी रिचार्डो एंड ऑप्शन डी मार्शल. सो इन ऑप्शन में से कौन ऐसा बिलीव करता है कि नॉर्मल वेज में कट करने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा जब भी डिप्रेशन होता है. द
तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पिवो ने दिया है, ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने ये कहा है कि अगर वेजेस कम कर दी जाए उससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा। जो ये आइडिया है उनके जो क्लासिकल व्यू है लेबर मार्केट का उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे पिवो आंसर आएगा, देयर इज अ प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड डिस्पोजेबल इनकम ऑफ ऑप्शन ए एमपीसी इज ग्रेटर देन एपीसी, ऑप्शन बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऑप्शन सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड ऑप्शन डी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल रिलेशन कंजप्शन एंड डिस्पोजेबल इनकम का वो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ टू कंज्यूम, इसका मतलब कि जो कंजप्शन है वो सेम लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रहा है, यानी जितना डिस्पोजेबल इनकम चेंज हो रहा है उतना कंजप्शन लेवल भी चेंज हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ सेम इक्वल रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ऑप्शन ए ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ऑप्शन बी ट्रीटमेंट ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑप्शन डी ट्रीटमेंट ऑफ इनकम गारंटीड बाय फॉरेन फर्म्स। सो यहाँ से कौन सा एक प्रॉब्लम नहीं है जो नेशनल इनकम मेजरमेंट का है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम गारंटीड बाय फॉरेन फर्म्स, ये कोई मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का प्रॉब्लम नहीं है, सो ये करेक्ट रहेगा। A significant increase in public expenditure leads to option A rightward shift in LM curve, option B rightward shift in IS curve, option C leftward shift in LM curve and option D leftward shift in IS curve। So अगर public expenditure बढ़ता है तो उससे curve में कौन से changes आएंगे, तो जैसे ही expenditure बढ़ेगा तो जो IS curve है वो shift होगी rightward, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी जिससे क्या होगा कि डिमांड भी बढ़ेगी। तो इन टर्म अगर हम बात करें तो जो आईएस यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है वो शिफ्ट होगी राइटवर्ड में, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन मोस्टली डिपेंडेंट ऑन ऑप्शन ए राइज इन प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी अ लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ऑप्शन सी एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ऑप्शन डी इंक्रीज इन लेबर फोर्स। सो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ मोस्टली किस पे डिपेंड होता है, तो इट इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन राइज इन प्रोडक्टिविटी, सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, कि जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है वहाँ पे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ही होना है, यानी कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, बेटर एजुकेशन ट्रेनिंग एंड इफिशियंट बिजनेस प्रैक्टिसेस अगर मिल रही हैं इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ने ही वाली है। जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है मोस्टली प्रोडक्टिविटी ही बढ़ाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू इकोनॉमिस्ट व्यू एज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, ऑप्शन ए स्टॉक्स, ऑप्शन बी बॉन्ड्स, ऑप्शन सी स्पेंडिंग ऑफ फिजिकल कैपिटल, ऑप्शन डी म्यूचुअल फंड स्पेंडिंग। सो इसमें से कौन से इकोनॉमिस्ट का व्यू है एज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, तो ये आएगा स्पेंडिंग ऑन फिजिकल कैपिटल। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी रहेगा, स्पेंडिंग ऑन फिजिकल कैपिटल। इकोनॉमिक्स इन इकोनॉमिक्स अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टिपिकली उसका मतलब होता है कि बिजनेस या इंडिविजुअल्स जो स्पेंड कर रहे हैं उनके कैपिटल गुड्स पे, जैसे कि मशीनरी बिल्डिंग इक्विपमेंट्स पे जो कि फिजिकल कैपिटल में इंक्लूडेड है। सो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स इनको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है रादर देन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है इनका इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग का मतलब यानी कि स्पेंडिंग ऑन फिजिकल कैपिटल। यहाँ पे हम हर एक चीज़ जो है वो इकोनॉमिक्स व्यू पॉइंट्स देखेंगे ना। एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन अफेक्ट्स ऑप्शन ए बोरोवर ओनली, ऑप्शन बी लेंडर्स ओनली, ऑप्शन सी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी एंड ऑप्शन डी ओनली बिजनेस फॉर्म्स इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। सो एंटिसिपेशन इन्फ्लेशन अफेक्ट करता है, तो इट अफेक्ट्स टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन जो है यानी कि जो हम फ्यूचर का जो एक तरह से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कंज्यूमर बिजनेस पॉलिसी मेकर जो सभी जो ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमी इन सभी को
इन्फ्लुएंस करने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ही बोरोइंग, लेंडिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, ये सारी चीज़ें इसी पे ही डिपेंड होती हैं। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन ऑप्शन ए वेजेस, ऑप्शन बी बिजनेस कॉस्ट, ऑप्शन सी रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सो एग्रीगेट डिमांड कर्व में जो चेंजेस होते हैं वो किस में चेंजेस की वजह से होते हैं? सो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो कि टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एट वेरियस प्राइस लेवल को प्रेजेंट करती है ड्यू टू अफेक्टेड बाय वेरियस सेवरल फैक्टर्स। सो इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल जो है वो रहता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, सबसे बड़ा चेंज जो रहता है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है वो रहता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होता है राइट वर्ड में हायर लेवल ऑफ डिमांड। सो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। व्हेन एन इकोनॉमीज ओवरऑल प्रोडक्शन ग्रोज फास्टर देन इट्स पॉपुलेशन इट इज रिफर्ड टू एज ऑप्शन ए लॉन्ग रन ग्रोथ पर कैपिटा, ऑप्शन बी एन इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी, ऑप्शन सी डिफ्लेशन, ऑप्शन डी पैराडॉक्स ऑफ थ्री। सो जब भी इकोनॉमी की ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो भी पॉपुलेशन जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से, तो इसको हम जो है रिफर करेंगे लॉन्ग रन ग्रोथ पर कैपिटा, ठीक है, यानी कि इससे क्या होगा कि पर कैपिटा इनकम या जीडीपी है यानी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, ठीक है, इसको हम इस सिचुएशन को कहेंगे लॉन्ग रन ग्रोथ पर कैपिटा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Now, which of the following is the most liquid asset? Rupees 100 bill, option B rupees 500 amazon.com gift certificate, option C an economics textbook and option D none of these. So, इसमें से कौन सा liquid asset है? So, obviously 100 रुपये का जो bill है, ठीक है, तो जिसको तुरंत ही मतलब उसकी वैल्यू इसमें से कोई चीज़ इसमें कम नहीं होने वाली, इसको तुरंत ही तुरंत अगर हम देखें तो इसको 100 रुपये का बिल है ऑलरेडी कैश फॉर्म में है, ये सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म का एसेट है जिसमें इसकी वैल्यू भी कम नहीं होगी और ये तुरंत के तुरंत ही कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मोस्ट लिक्विड एसेट में आएगा। Deviations from the natural rate of unemployment are known as option A frictional unemployment, option B structural unemployment, option C random unemployment and option D cyclical unemployment. So cyclical यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि deviations from the natural rate of unemployment वो किसकी वजह से होता है? होता है cyclical unemployment की वजह से। Natural rate of unemployment में जो deviations होते हैं वो cyclical अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होते हैं, यानी कि जो साइकिल चेंजेस होते हैं बिजनेस साइकिल में, जैसे कि रिसेशन डाउनटर्न्स होते हैं उसकी वजह से होते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 2। तो आई थिंक बच्चों यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं, करेक्ट ऑप्शन इसमें इंक्लूड नहीं है, मे बी मिस्टेकिंगली नहीं इंक्लूड हो पाया। सो मैक्सिमम वैल्यू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की हमेशा होती है इन्फिनिटी, तो आप 3 को यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पे इन्फिनिटी ले सकते हो, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन्फिनिटी रहेगी, ठीक है। क्योंकि अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 रहता है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0 हो जाता है, ये तो हमने पहले ही देखा, तो वहाँ पे जो वैल्यू है मल्टीप्लायर की वो इन्फिनिटी हो जाती है। इन अ सिंपल क्लोज इकोनॉमी ऑल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग मस्ट कम फ्रॉम, ऑप्शन ए सेविंग, ऑप्शन बी मनी क्रिएशन, ऑप्शन सी डेट इश्योरेंस, ऑप्शन डी फॉरेन बोरिंग। सो सिंपल क्लोज इकोनॉमी जहाँ पे बाहर से कोई यानी कि जहाँ पे कोई इंटरनेशनल ट्रेड होगा ही नहीं, क्लोज इकोनॉमी यानी कि जितना भी एक्टिविटी हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी इनकम हो रही है तो वो एक इकोनॉमी के अंदर की इंक्लूड होती है, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड को कोई जगह ही नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पे जितना भी जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है वो कहाँ से आती है? तो वो सेविंग से आती है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी वुड रिजल्ट फ्रॉम, ऑप्शन ए अ डिक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी, ऑप्शन बी अ डिक्रीज इन
real GDP. Option C, a decrease in price level, and option D, an increase in price level. So डिमांड में इंक्रीज हुआ, मनी की डिमांड बढ़ी, ठीक है, तो वो किसकी वजह से, तो ये आएगा इंक्रीज इन प्राइस लेवल से. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि जनरल प्राइस लेवल बढ़ना, जिससे क्या होगा कि डिमांड फॉर मनी भी बढ़ जाएगी, ठीक है. पीपल क्या करेंगे, उनको ट्रांजैक्शन करने के लिए ज़्यादा मनी की ज़रूरत होगी, जिसको हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव ऑफ द डिमांड फॉर मनी हो जाएगा, ठीक है. मनी की डिमांड किसकी वजह से बढ़ती है, इंक्रीज इन प्राइस लेवल. द एम्प्लॉयमेंट थियोरी बाय कीन्स इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए सप्लाई डिफिशियंसी थियोरी, ऑप्शन बी डिमांड डिफिशियंसी थियोरी, ऑप्शन सी फुल एम्प्लॉयमेंट थियोरी, एंड ऑप्शन डी डिमांड सरप्लस थियोरी. सो कीन्स की थियोरी है एम्प्लॉयमेंट थियोरी, उसको हम डिमांड डिफिशियंसी थियोरी भी कहते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है. An improvement in inflation is known as option A reflation, option B disinflation, option C stagflation, and option D deflation. So अगर inflation में improvement होता है, ठीक है, यानी कि उसको हम कहेंगे disinflation. disinflation मतलब कि एक ऐसी situation जहाँ पर rate of inflation क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है. So एक तरह से ये एक improvement है, in the sense कि जो प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज के स्टिल इंक्रीज हो रहे हैं, बट एक स्लोअर रेट पे. सो यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है पॉजिटिव वे में देखना है, तो डिस इन्फ्लेशन आएगा. सपोज द एग्रीगेट कंजप्शन फंक्शन इज गिवन बाय इक्वेशन सी इक्वल्स 200 प्लस 0.8 y, वेयर सी रिप्रेजेंट कंजप्शन एंड y रिप्रेजेंट्स डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम इज रुपीज 500 एंड देन ऑटोनोमस कंजप्शन विल बी. यहाँ पे जो एग्रीगेट कंजप्शन जो फंक्शन दिया है उसका इक्वेशन, तो ये है, इसमें कह रहे हैं कि सपोज सी कंजप्शन है एंड वाई डिस्पोजेबल इनकम है. सो डिस्पोजेबल इनकम अगर 500 है तो कंजप्शन कितना होगा, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो वाई की वैल्यू दी हुई है 500, तो इसको आप जब भी सॉल्व करेंगे 200 प्लस 0.8 इंटू 500, तो यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट विल बी ₹200. अ रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल कॉज ऑप्शन ए एन अपवर्ड शिफ्ट इन एलएम कर्व, ऑप्शन बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन आईएस कर्व, ऑप्शन सी अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन एलएम कर्व, एंड ऑप्शन डी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन आईएस कर्व. सो अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो रही है, ठीक है, यानी कि तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डिमांड भी कम हो जाएगी, जैसे कि आपको पता होगा मैंने अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी पहले भी डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ती तो क्या होता है, तो जो आईएस कर्व है वो शिफ्ट हो जाती है राइट वर्ड. तो उसका यहाँ पे अपोजिट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर रिड्यूस हो गए तो आईएस कर्व में मतलब कि स्पेंडिंग से क्या होगा, अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो गई तो इससे क्या होगा, तो आईएस कर्व जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होती है तो डिमांड कम हो जाएगी, जिससे आईएस कर्व शिफ्ट हो जाएगी टू द लेफ्ट. द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन प्रायर टू द फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज इज नोन एज डैश बाय कीन्स, ऑप्शन ए प्री इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी फुल इन्फ्लेशन, एंड ऑप्शन डी सेमी इन्फ्लेशन. सो कीन्स के अकॉर्डिंगली जो इन्फ्लेशन जो फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेट से पहले होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले. कि कीन्स ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन तब होता है जब इकोनॉमी जब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रही होती है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन. टिपिकली ये तब होता है जब डिमांड इंक्रीज होती है इकोनॉमी में, और दैट इज़ रिकवरिंग फ्रॉम अ रिसेशन, यानी कि जब पहले रिसेशन है उससे रिकवर होकर जो डिमांड बढ़ रही है और अभी तक लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट तक नहीं पहुँची है, तो उसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द व्यू ऑफ फिगो, फिगो का इसमें से कौन सा व्यू नहीं है, वेज फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी जनरल इक्विलिब्रियम, एंड ऑप्शन डी कटिंग वेजेस. सो जो फिगो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, वो कभी भी बिलीव नहीं करते वेज फ्लेक्सिबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल इकोनॉमी, बट ही डिड नॉट, यानी वो कभी भी कटिंग इन वेजेस
वो कभी बढ़ावा नहीं देते, तो ये उनका व्यू है ही कटिंग वेजेस. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. द पोजिशन ऑफ IS कर्व डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन बी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव. सो IS कर्व की जो पोजिशन है, ठीक है, इनकम एंड इंटरेस्ट रेट की, तो ये किस पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड होता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर पे. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिड कीन्स अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेप्ट कॉन्स्टेंट. यहाँ पर से जो मेंशन फैक्टर्स है, इसमें से कौन से कीन्स ने कॉन्स्टेंट अज्यूम किया. ऑप्शन ए टोटल डिमांड फंक्शन, ऑप्शन बी टोटल सप्लाई फंक्शन, ऑप्शन सी टोटल सेविंग फंक्शन एंड ऑप्शन डी टोटल इन्वेस्टमेंट फंक्शन. सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आएगा. उन्होंने इन्वेस्टमेंट फंक्शन को कीन्स ने इसको कॉन्स्टेंट कंसिडर किया. विच कॉन्सेप्ट ऑफ बजट वॉज प्रेजेंटेड बाई क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. ऑप्शन ए सरप्लस बजट, ऑप्शन बी बैलेंस बजट, ऑप्शन सी डेफिशिट बजट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जब भी प्रेजेंट किया था बजट का कॉन्सेप्ट, तो ये था बैलेंस्ड बजट. उन्होंने ये माना था कि बैलेंस्ड बजट से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रमोट होगी. सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. रियल GDP इज नॉमिनल GDP एडजस्टेड फॉर ऑप्शन ए डबल काउंटिंग, ऑप्शन बी चेंजेस इन प्राइसेस, ऑप्शन सी पॉपुलेशन एंड ऑप्शन डी इम्पोर्ट्स. सो रियल GDP जो है वो नॉमिनल एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन होता है. सो इसमें रिप्रेजेंट होती है वॉल्यूम लेवल ऑफ GDP, यानी कि चेंजेस इन प्राइसेस विल बी करेक्ट. द LM कर्व इज फ्लैटर इफ द इंटरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज ऑप्शन ए हाई, ऑप्शन बी लो, ऑप्शन सी बोथ मे बी पॉसिबल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. सो LM कर्व फ्लैटर होगी जब इंटरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड हाई होती है, ठीक है. ये इसलिए होता है कि हाइयर इंटरेस्ट रेट का हाइयर इफेक्ट रहता है डिमांड फॉर मनी. नाउ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इज गिवन बाय ऑप्शन ए के पुरेरा, ऑप्शन बी जेम केस, ऑप्शन सी RF खान एंड ऑप्शन डी JR हिक्स. सो जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है वो किसने दिया था, तो इट वॉज गिवन बाय रिचर्ड एफ खान, जो कि एक कीन्स का फॉलोअर था जिन्होंने मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट. जो कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लायर का उन्होंने डेवलप किया था इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर. सो यहाँ पे RF खान करेक्ट होगा. अकॉर्डिंग टू द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स द मेन कॉज ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इज ऑप्शन ए फिस्कल पॉलिसी, ऑप्शन बी मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन सी एडवर्स सप्लाई स्टॉक्स एंड ऑप्शन डी इनसफिशिएंट सप्लाई. सो अकॉर्डिंग टू सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स जो मेन कॉज रहता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का वो क्या रहता है, तो वो रहता है एडवर्स सप्लाई स्टॉक्स. सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा. सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स ऐसा बिलीव करते हैं कि जो एडवर्स सप्लाई शॉक्स जैसे कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गया या तो प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हुई, ये प्राइमरी कॉज होते हैं इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के, ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा. इफ द इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग इन इकोनॉमी द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी, ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन कॉन्स्टेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देम. सो इन्वेस्टमेंट अगर सेविंग से ज़्यादा होता है इकोनॉमी में तो नेशनल इनकम क्या होती है, तो नेशनल इनकम यानी कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से तो वो रहता है कि नेशनल इनकम बढ़ती है, ठीक है. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए कि मतलब कि एडिशनल मनी जो कि इकोनॉमी में लेके जा रहे हैं यानी बोरोइंग या क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम बीइंग हाई द मल्टीप्लायर इज ऑप्शन ए हाई, बी कांस्टेंट, ऑप्शन सी रिड्यूसेस, ऑप्शन डी कैन बी हाई कैन बी लो. सो मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम अगर हाई होगा तो मल्टीप्लायर भी क्या होता है, हाई रहेगा. ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा. इट मतलब कि इसका मतलब कि हाई इसलिए रहेगा कि इनकम जो है वो स्पेंट हो रही है रैदर देन सेल. सो यहाँ पे उसका जो इफेक्ट रहेगा वो भी हाइयर रहेगा.
As a result of increase in price, national income rises without any increase in production. Option A, economic welfare will increase. Option B, economic welfare will decrease. Option C, economic welfare remain constant. On option D, none of the above. So, अगर जो prices हैं वो बढ़े तो national income rise होगा without any increase in production. तो इससे क्या होने वाला है? तो इससे होगा economic welfare will decrease. क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है ना, तो इकोनॉमिक वेलफेयर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा. अगर प्राइस बढ़ा लेकिन उससे प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसका मतलब कि इन्फ्लेशन हो रहा है विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे क्या हो जाएगा कि लोगों का परचेजिंग पावर घटेगा और लोअर इकोनॉमिक वेलफेयर होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इकोनॉमिक वेलफेयर विल डिक्रीज. विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ पर से कौन सा ऑप्शन में करेक्ट नहीं है? ए पी सी एच प्लस एम पी सी इक्वल्स टू वन, ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल्स टू वन, एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू वन एंड ऑप्शन डी एम पी सी इक्वल्स टू माइनस वन. सो यहाँ पर करेक्ट क्या नहीं है? ठीक है, सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल्स टू वन आएगा, करेक्ट है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल्स टू वन आएगा, ऑप्शन डी भी करेक्ट है. बट जो पहला ऑप्शन है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये एच है ना, ये बाय मिस्टेक आ गया, ये आपको ध्यान नहीं देना है. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे हो सकता है? एवरेज एंड मार्जिनल दोनों को इंक्लूड करके मैंने थोड़ी ना होगा, आइदर एवरेज को कंसिडर करो या तो मार्जिनल. सो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट रहेगा. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टू फैक्टर्स अफेक्ट द कंजप्शन फंक्शन, यहाँ पे कौन से दो फैक्टर्स जो कंजप्शन फंक्शन को अफेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए साइज ऑफ द इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन बी साइज ऑफ द इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऑप्शन सी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सप्लाई ऑफ मनी एंड ऑप्शन डी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर मनी. सो यहाँ पे साइज ऑफ इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं कंजप्शन फंक्शन को, क्योंकि जो कंजप्शन फंक्शन ऑफ प्राइमरी डिस्पोजेबल इनकम और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे डिपेंड करता है. सो हायर इनकम तो हायर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिससे क्या होगा कि हायर कंजप्शन भी होगा. ठीक है, तो जितना इनकम बढ़ेगा उतना कंजप्शन बढ़ेगा, तो यही दो फैक्टर्स. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. प्लान्ड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज, ऑप्शन ए एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन अ पीरियड, ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग माइनस डेप्रिसिएशन इन अ पीरियड, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग दैट बिजनेस प्लान टू अंडरटेक ड्यूरिंग अ पीरियड, ऑप्शन डी ऑलवेज इक्वल टू सेविंग. सो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग दैट बिजनेस प्लान टू अंडरटेक ड्यूरिंग अ पीरियड, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस प्लान करता है एक पीरियड में स्पेंड करने के लिए. सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि बिजनेस डिसाइड करता है ना कि वो कौन सी गुड्स या जैसे कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी और कौन सी चीज़ें वो परचेस करने वाला उसके बारे में. वॉट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम पी एस एंड ए पी सी? ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी कॉन्स्टेंट एंड ऑप्शन डी नो रिलेशनशिप. सो जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या रहेगा? सो जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मल्टीप्लायर जो होता है, इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप होता है. हायर सेविंग, जितनी ज़्यादा सेविंग होगी, यानी कि हायर एम पी एस, उससे क्या होगा कि अगर सेविंग ज़्यादा होगी तो लोग खर्चा कम करेंगे, यानी स्पेंडिंग कम होगी. ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशनशिप हम बोल सकते हैं, अपोजिट. ठीक है, और स्पेंडिंग कम होगी जिससे क्या होगा, स्मॉलर मल्टीप्लायर होगा. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एम पी एस एंड ए पी सी का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है.